हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है। पे बर्ड्स के लिए पानी मैं फ्रेश भर चुकी हूँ, लेकिन दोपहर में इतना तेज़ धूप हो जाएगा ना, दोपहर के अभी मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप है कि पानी गर्म हो जाता होगा। लेकिन कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं जो आ करके यहाँ पर बैठ रहे हैं, पानी पीते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन आके बैठ रहे हैं। ये पूरा फोर्स इतना तेज़ जल रहा है ना, ये लगा हुआ है तो थोड़ा सा आराम है, नहीं तो फिर और पता नहीं क्या हालत हो जाती। ये ग्रीनरी जो थोड़ा सा हमें सेफ किए हुए हैं, अदरवाइज़ रहना तो एकदम पॉसिबल ही नहीं होता। एक चीज़ दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे आपको चेयर दिख रहा होगा और ये टेबल, लेकिन ये ना बना हुआ है सीमेंटेड, जो कि बड़ा अच्छा लगा मुझे कि लेके इधर उधर आना जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे किसी को बैठना रहे तो ईज़िली बैठ के देखेगा सामने का व्यू। और वाशु जो है वो अभी सो रहे हैं, देखिए अभी सो रहा है लड़का। ये कुछ ग्रोसरी आई है, ब्रेड, राइस ऑयल, बिस्किट, आटा, मैगी, चीनी, नमक, इतनी सारी चीज़ें आई हैं तो मैंने भी यहीं पे रखा। अभी इसको किचन में ना ये ग्लास लगना कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि ये जो इसका ग्लास है ना, ये थोड़ा सा पतला है, तो जो भैया लगाने वाले थे उन्होंने बोला कि पतला है, टूट सकता है, इस वजह से रिस्क मत लीजिए। मैंने इधर पे सजाया हुआ था कि अपना ड्राइंग रूम बनाऊंगी, यहाँ पे सोफ़ा रखूंगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें इतनी गर्मी होती है कि रखना नहीं सही था। यहाँ पे कोई बैठ ही नहीं पाएगा तो फिर रखने का कोई मतलब नहीं है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सारा मैंने वॉश करके रखा है, कहीं और रखने की जगह ही नहीं है तो फिर मैंने इसको यहीं पर रख दिया है। रात में मैंने कुछ भी साफ़ सफाई नहीं की हुई थी तो इस वजह से देखिए किचन पूरा इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो चलती हूँ, जब तक वाशु उठेंगे सबसे पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए बनाऊँगी। ये मैंने भिगोए थे चने, जो कि लग रहा है कि बहुत अच्छे से नहीं भीगा हुआ है, थोड़ी देर इसको और रहना पड़ेगा, फिर इसको मैं ना कपड़े में बांध के रख दूँगी और ये अच्छे से हो जाएगा। देन उसके बाद इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करती हूँ, मूँग काफ़ी अच्छा होता है, बट मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं सिर्फ दो दिन कुछ भी करती हूँ, तीसरे दिन से बंद, यही मेरे साथ होता है, चाहे कुछ खाना हो या फेस पे लगाना हो, यही प्रॉब्लम। उस रूम से थोड़ी देर के लिए मैं इधर आई और इतना ज़्यादा गर्मी होने लगा, अभी तो काम कर रहा है बैठ कर के, झाड़ू वाड़ू लगाने में पता है इतना पसीना होता है ना, इतना पसीना होता है कि एक तरफ झाड़ू लगाते हैं एक तरफ पसीना चूता रहता है, क्या करूँ इधर पे है। और आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप जब से यहाँ ऊपर आई हैं तब से आपके वीडियोस में व्यूज़ कम आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये था कि वहाँ पे स्पेशियस था, सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, बट अभी देखिए जैसे क्या है कि मैसेज ऐसा आया हुआ था कि यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था जिसकी वजह से सभी के डॉलर्स जो है ना बहुत कम बन रहा है, तो मैंने एक तरह से, मुझे लगा कि मैंने सही फैसला किया था क्योंकि वहाँ पे रेंट वेंट लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और आप सभी को पता है कि वाशु की फ़ीस, फिर उसका ट्यूशन फीस, फिर घर के खर्चे, सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भी गई तो कोई बात नहीं, अगले साल तक आप सभी को कुछ और चीज़ें दिखेंगी। हमेशा मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली, कुछ समय के लिए बस यहाँ पे हूँ, उसके बाद कहीं और। तो अभी ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली हूँ, तो जितने दिन भी है थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, एसी लगा ही है, यहाँ से काम वाम करके फटाक से भाग जाती हूँ उस वाले रूम में, बट यही है ना बिजली का बिल बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। ये लाइट ऑन ही है, सुबह उठती हूँ तो फिर देखती हूँ, और पता है यहाँ से भी पानी निकल रहा है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से भी पानी निकल रहा है, ये पानी ऑलरेडी फेंकती हूँ मैं, लेकिन देखिए पानी गिर के ना सब इधर आया हुआ है क्योंकि बाल्टी भर गई है, अब इसको मैं हटाऊंगी। ये जो टॉप मैंने पहना हुआ है, इतना साल हो गया मुझे लिए, 3-4 साल हो गए, लेकिन मैं इसको पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन लगता बहुत अच्छा है, इतना कंफर्टेबल है, कॉटन है, घर में पहनने के लिए बहुत बढ़िया है, तो मैं कभी कभी इसको निकाल के यहीं पे पहनती हूँ। पहनना स्टार्ट कर दिया है मैंने क्योंकि इतने टाइम से रखा हुआ था और मेरे पास कपड़े रखने की जगह नहीं है। एक और चूहा दिख रहा है, मैंने उस दिन फेंका था, लेकिन एक चूहा और दिख रहा है, अब वो पकड़ने ही नहीं आ रहा, मैंने परसों का ही लगाया हुआ है लेकिन वो नहीं पकड़ा रहा, सैटरडे को मैंने फेंका था और सैटरडे से अभी तक ऐसे ही है लेकिन पकड़ाया नहीं, बहुत
इंटेलिजेंट लग रहा है, समझ रहा है कि मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है, इस वजह से नहीं आ रहा है। और वहाँ पे मेरे इतने सारे पार्सल रखे हुए हैं, उसी में खुटर खुटर कर रहा है, इतना सारा है। मैं अभी आप सभी को दिखाती हूँ कितना सारा है, तो मैं हटा नहीं सकती, लेकिन आज हटाऊँगी। देखिए ये सारे ना पार्सल भरे हुए हैं, देखिए पहले के हैं, कुछ कुछ अभी के हैं, तो इसी तरीके से रखा हुआ है सारा। और इसी के पास में जा कर के पीछे से खट 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 कर रहा है, मुझे आज इसको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत नुकसान कर देगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये लगाया भी है, लेकिन फिर भी पकड़ में नहीं आ रहा है। वो जो बेड का कॉर्नर है ना, वहाँ पे झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बेड दीवार से टच है, बहुत ज़रा सा स्पेस है, और उसके पीछे इतना गंदगी ले जाके किया था। अब इतना भारी बेड, बताइए मैं अकेले तो हटा नहीं पाऊँगी ना, तो मैंने किसी तरीके से उसको झाड़ू से किनारे करके सारा निकाला कल ही, बहुत गंदगी कर दिया था। इस पर ना मैंने ये जो मैट्रेस है, इस पर मैंने ये वाला गद्दा लगा दिया है जो पहले वाला है, और इतने आराम से सोई ना रात में, वाशु भी बहुत आराम से सोया, इतना कंफर्टेबल, इतना रिलैक्स मिल रहा था। और ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म करता है ये जो, लेकिन ये वाला बहुत कंफर्टेबल। मैं चलूँ अब काम वाम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप सभी से मिलती हूँ। कपड़े भी मुझे मैंने रखे हुए हैं, मुझे वॉश करना है, मशीन पे कुछ है, कुछ चेयर पे रखा हुआ है, तो सबसे पहले चलती हूँ किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ, तब तक वाशु उठ जाएगा। तो सब कुछ करने वरने के बाद फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। तो मैं आ गई वापस और मैंने लंच भी बना लिया है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि क्या क्या बनाया है मैंने। कितनी तेज़ धूप, मैंने विंडो ओपन किया हुआ है, इस वजह से बड़ी तेज़ धूप आ रही है। मैंने यहाँ पे बनाया है चने की दाल, रेसिपी आप सभी के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, इस वजह से शेयर नहीं किया। और वाशु को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने बनाया। और यहाँ पे रख दिया है चावल, तो हमारा जो लंच है वो हो रहा है। इतना बच गया था तो मैंने ऐसे ही रख दिया, फिर कभी सिंपल वाली दाल नहीं खाने का मन किया तो फिर से बना लूँगी। अब इसको डब्बे में रखना है, रखूँगी मैं अभी। तो मैंने ये सब बनाया हुआ है, और आज मैं जल्दी जल्दी वीडियो का इसलिए एंड कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कई सारे वीडियोज़ बनाने हैं। और वाशु अभी नहाए नहीं, वाशु जाके नहा लो बेटू। तो थोड़ा सा मैंने दिखा दिया क्योंकि आज की वीडियो बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, और बहुत जल्दी जल्दी मुझे एंड भी करना है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आप सभी से करना चाहती हूँ कि ये बेड जब मैंने लिया था तो इसके साथ में मैंने मैट्रेस भी लिया हुआ था, जो मैट्रेस मैंने अभी आप सभी को दिखाया। और मुझे उसके बाद से कमर में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई, आप सभी को पता है। वॉश वॉल्यूम स्लो करो। तो मैं ना, मेरे से काफ़ी लोगों ने बोला कि ये जो मैट्रेस है उसको हटा दीजिए, और डॉक्टर ने भी यही बोला कि आप मैट्रेस हटा दीजिए, आपको मैट्रेस की वजह से हर मतलब कि हमेशा 10 दिन पे 15 दिन पे मुझे कमर के नस में लेफ़्ट साइड में पेन होने लग रहा है बहुत ज़्यादा, फिर मेरा चलना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं उसको सेल कर रही हूँ, मैंने ओएलएक्स पर डाल दिया है, और बड़ी मन से मैंने लिया था, एक एक पैसे इकट्ठे करके मैंने इसके साथ में ख़रीदा था। पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं, लेकिन लोग बोल रहे हैं ना कि घर पर भी मेरे वैसा वाला है, ऐसा भी है और जो बनता है वो वाला भी है। तो इसी तरीके से जैसे कि ये स्क्वायर में है तो इस तरीके से बन जाता है। और सच में मैं रात में इसमें सोई थी ना, जब मैंने इस पर पहले वाला गद्दा लगाया हुआ है, तो पहले वाला जो गद्दा मैंने लगाया हुआ है लगा करके सोए, मैं भी अच्छे से सोई, वाशु भी अच्छे से सोया। नहीं तो वाशु क्या करता है ना, रात में उठ के सोफे पे चला जाता है सोने, क्योंकि बोल रहा था मम्मा मुझे भी बैक में पेन हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि हटा ही दूँ। बड़ी मन से लिया था लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा कैसा नहीं। लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि इस पर ना बेडशीट लगाओ तो बेडशीट खिसक जाता है, और वाशु पता ही है ना बच्चे रहते हैं तो बेडशीट एक मिनट भी सही से नहीं रह सकता। और इस पर क्या है ना, कॉटन होता है तो एज़ इट इज़ ये वैसे ही रहता है। तो ये भी है, अब इसको पहले ये सेल आउट हो, मैंने बात कर लिया है बनवाने के लिए, तो मैं बनवाऊँगी। और इसको मैंने लिया था 5,500 में, अब देखती हूँ कितने में हटता है, मुझे वो नहीं है 3, 3.5, 4 कितने में भी हट जाए तो कोई वो नहीं है। और अच्छा हुआ कि मैंने बहुत महंगा वाला नहीं लिया, क्योंकि मैंने पूछा कि इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ये वाला ले लीजिए, तो 12,000 या 13,000 या समथिंग 15,000 का दिखा रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी कि थैंक गॉड मैंने वो वाला नहीं लिया, अदरवाइज़ मैं तो बहुत बुरे तरीके से फंस जाती इतना महंगा लेकर के। और डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं आप उस पर मत सोइए, अदरवाइज़ ये पूरी, उन्होंने साफ बोला कि ये मैट्रेस आपकी लाइफ ख़राब कर देगा अगर आप इस पर सोए रहे तो मैं इसको हटाने जा रही हूँ, फाइनली दूसरा लूँगी, ठीक है।
और चलिए अब मैं वीडियो का ही एंड भी करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है आप सभी की, तो कल का व्लॉग ज़रूर आप सभी देखिएगा, भूलिएगा मत देखना। और एक छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जल्द मिलती हूँ कल के व्लॉग में, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी वीडियोज़ बनानी है, उसके बाद सारा कंप्लीट करके मुझे यहाँ से निकलना भी है। तो एंड करती हूँ मैं, आ जाओ आशु एंड कर दे, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। बड़ी जल्दी बाय बाय कर दिए। चलो ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।